वेलकम टू एशियाज यंग गाइस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 की हिंदी लोक भारती टेक्स्ट बुक का इकाई 1 का चौथा चैप्टर। ये चैप्टर है एक्चुअली पूरक पठन, दैट इज रैपिड रीडर है मन। ये पोयम है, इसके कवि है विकास परिहार। तो पहले हम इनका परिचय देख लेते हैं कवि का। ये देखिए इनका परिचय है, इनका जन्म यहाँ लिखा है, जन्म हुआ था 1983 में गुना, गुना जगह है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे तो विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना, वायुसेना मतलब एयरफोर्स, मतलब इंडियन एयरफोर्स को अपनी सेवाएं दी। 2000 से 2004 तक वो इंडियन एयरफोर्स में सर्विस कर रहे थे, सेवा दी उन्होंने। फिर पत्रकारिता मतलब जर्नलिज्म के क्षेत्र में उन्होंने उतरने के बाद रेडियो से जुड़े, मतलब पहले भारतीय वायुसेना में थे, फिर पत्रकारिता की, जर्नलिज्म की, फिर रेडियो से भी जुड़े वो। साहित्य में विशेष रुचि, विशेष मतलब स्पेशल, रुचि मतलब इंटरेस्ट, तो उनका साहित्य लिटरेचर में स्पेशल इंटरेस्ट था। तो साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य मतलब नाटक मतलब एक्टिंग गतिविधियों मतलब एक्टिविटीज से भी जुड़े हुए हैं। तो जो जो ये कवि है विकास परिहार, वो नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं, एक्टिंग रिलेटेड एक्टिविटीज से भी जुड़े हुए हैं। अब देखते मन, ये पूरक पठन पोयम क्या है, उसका भी इंट्रोडक्शन यहाँ दिया गया है। पहले उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए पद्य संबंधी, तो ये है हाइकू। अब ये हाइकू क्या होता है, हाइकू इज एक्चुअली जापानीज स्टाइल ऑफ पोएट्री राइटिंग। तो ये जापानीज स्टाइल ऑफ पोएम राइटिंग है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। ये देखिए हाइकू, यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है, मतलब ये जापान की पॉपुलर पोएट्री स्टाइल है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है, मतलब ये वर्ल्ड की सबसे छोटी पोयम होती है। पांचवें दशक, दशक मतलब के डेकेड, मतलब 10 साल का एक टाइम फ्रेम, जैसे सदी होता है एक सेंचुरी, 1 सेंचुरी 100 ईयर्स को सदी कहते हैं हिंदी में, और डेकेड को दशक कहते हैं। तो पांचवा दशक, पांचवा दशक मतलब कौन सा, 1900s का फिफ्थ डेकेड। तो फिफ्थ डेकेड कौन सा आएगा, ये आएगा एक्चुअली 1940s। जैसे हम सेंचुरी की भी बात करते हैं तो हम 2019-20 में है अभी, तो ये हम खाल कहते हैं 2021 भी, ये 2020-2021, ये सारे 2000 में जो ईयर्स है, पूरा 100 साल जो है उनको 21st सेंचुरी कहते हैं। तो ये एक नंबर आगे चलता है कैसे, तो पांचवा दशक मतलब 1940s। कैसे, क्योंकि 1900 से लेके 1900 से 9 तक काउंट करेंगे हम, तो ये 10 साल होते, बिकॉज 0 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो वो 10 साल जो है वो पहला दशक है। तो फिर 11 to 19 इज दूसरा दशक, फिर 20 to 29 मतलब तीसरा दशक। तो थर्ड दशक जब हम तीसरा कह रहे हैं तब 20s में आ रहा है यार साल। तो ऐसे ही चौथा दशक इज 1930 to 39 और पांचवा दशक इज 1940 to 49, मतलब 1940s। तो पांचवे दशक से हिंदी साहित्य में ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है, मतलब हिंदी लिटरेचर में भी पांचवे दशक से 1940 से हाइकू को एक्सेप्ट किया गया, और काफी सारी हिंदी कविताएं भी हाइकू फॉर्म में लिखी गई है। हाइकू कविता 5-7-5 मतलब 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है, मतलब हर एक जो उसका ढांचा होता है ऐसे 5-7-5, ये 5-7-5 वर्ण है। वर्ण मतलब क्या, लेटर्स, मतलब के जो साउंड सिलेबल्स होते हैं वो। तो जैसे हम देखेंगे, यह पोयम भी हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए तो ये जो पोयम है, अगर आप देखोगे तो ये छोटे छोटे 3 लाइन्स आपको दिख रही है, तो ये 3 लाइन्स में लिखी जाती है। पहली लाइन में 5, दूसरी लाइन में 7 और तीसरी लाइन में 5, क्या लेटर्स। आप देखोगे घ ना, 1-2 हुए, अंधेरा अधर ऐसा, मतलब तो ये 1-2-3-4-5 है, ये 5, फिर प्लस 7 मतलब चमकता, मतलब 1-2-3-4-5-6-7 प्रकाश, तो ये 7, 5-7 और फिर से 5, और अधिक, तो ये 5-5-7-5, ये उसका फॉर्मेट होता है। तो ये हर एक जो 3 लाइन्स ऐसे 3-3 लाइन्स करके 5-7-5 के फॉर्म में लिखी जाती है, तो इसे हाइकू कहते हैं। हाइकू कविता में 5-7-5 मतलब 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों मतलब एक्सपीरियंसेस और छोटी छोटी विभिन्न मतलब डिफरेंट घटनाओं इंसिडेंट्स को
अर्थवाही मतलब एक्सप्रेसिव तरीके से सीमित मतलब लिमिटेड शब्दों में प्रस्तुत किया है, क्योंकि हाइकू लिमिटेड वर्ड्स में लिखी जाती है ऐसे, है ना। तो ये यहाँ पे हम इस कविता में देखेंगे। ये देखिए यहाँ से तो हमारा ये पूरक पठन यहाँ से शुरू होता है। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, मतलब क्या हुआ इसका कि घना अंधेरा है मतलब बहुत ही अंधेरा है, और जब इसमें प्रकाश चमकता है लाइट चमकती है तो और अधिक लगती है। मतलब जब सब कुछ एकदम अंधेरा हो जाता है, आप एक एक्सपीरियंस करके भी देख सकते हैं, अगर पूरे अंधेरे रूम में हमने लाइट ऑन की तो बहुत उजाला हो जाता है अचानक, और अगर थोड़ी लाइट ऑलरेडी है, जैसे एक बहुत लाइट वाला रूम है उधर ऑलरेडी लाइटिंग्स लगी हुई है, तीन चार लाइट्स ऑलरेडी ऑन है, पांचवी लाइट आप ऑन करोगे तो इतना फर्क भी नहीं लगेगा, मतलब इतना प्रकाश नहीं आएगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब एक पूरे अंधेरे रूम में एक लाइट भी ऑन होती है तो बहुत सारा प्रकाश आ जाता है। तो वही कहा जा रहा है, जब घना अंधेरा है तो चमकता प्रकाश और अधिक, तब वो प्रकाश लाइट और अधिक चमकता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये है पोयम में कि जब हमारे जीवन में भी बहुत घना अंधेरा होता है, मतलब बहुत दुख तकलीफ होती है, तब थोड़ी सी भी जो लाइट आती है वो बहुत अधिक चमकती है, वो बहुत अधिक हमको जो है उम्मीद देती है, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए राह दिखाती है। तो घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, मतलब हम सारा जीवन अपना हमें काम करते रहना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है जो हमारा कार्य है वो हमें करते रहना चाहिए, पाने की मत सोचो, हमें क्या मिलेगा उससे वो मत सोचो, तो जीवन सारा हमें करते रहना है। तो करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। फिर तीसरा है, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, तो हमारी जीवन की जो नैया है, नैया मतलब बोट, तो जीवन की जो हमारी नैया है वो भी मझधार, मझधार मतलब के जो रिवर का पाथवे होता है नदी का, उसके जो बीच का हिस्सा होता है उसे मझधार कहते हैं। तो जब हम नदी से शुरू करके हम बीच में आ चुके तो अब वहां जब फंस जाते हैं, वहां पे जब टर्बुलेंस होता है, बोट हिलने लगती है, तो मझधार में जब डोले तो संभाले कौन। तो ये एक सवाल उठाया जा रहा है कि जब हमारी जीवन की नैया भी इस जग के मझधार में डोलने लगती है, हिलने लगती है, जब हमको तकलीफें आने लगती है, तब हमें संभालेगा कौन। तो ये सवाल उठाया जा रहा है जिसका एक्चुअली मतलब है कि हमें खुद को ही हमको संभालना है। तो ये आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स इजीली कवर हो जाएंगे, और ये पूरा कोर्स 6 मंथ्स में कंप्लीट होगा। हमारे जो इस दो पैटर्न्स में कोर्सेज बनाए गए, एक है स्टिमुलस कोर्स और एक है बूस्टर कोर्स। तो आपको अगर सिर्फ एक्सप्लेनेशंस की जरूरत है तो हमारे स्टिमुलस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हेल्प की जरूरत है तो हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ आप साइंस कर सकते हैं जिसमें साइंस वन साइंस टू दोनों कवर होगा। सेकेंड कोर्स है बूस्टर कोर्स जिसमें आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनना, सिर्फ डाउट क्लियरेंस करना या टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स आपको हम वीडियो पे बता दें उससे आपकी तैयारी पूरी नहीं होती, आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मीनिंग्स भी दिए गए, वो भी हम देख लेते हैं पोयम के नीचे। ये देखिए जो मीनिंग्स दिए गए हैं वो है मझधार, मतलब नदी के प्रवाह का मध्य भाग, मतलब जो नदी का फ्लो होता है, रिवर का जो फ्लो, प्रवाह मतलब फ्लो, तो वो नदी के प्रवाह का बीच का हिस्सा, मध्य भाग को मझधार कहते हैं। यहाँ पे जो लिखा है ये क्या है, मझधार एक्चुअली स्त्रीलिंग है, ये शब्द जो है इसका लिंग स्त्रीलिंग है, है ना, और ये संज्ञा है और ये हिंदी भाषा से आता है वर्ड मझधार। तो ये शब्द संसार हमारा यहाँ पे जो मीनिंग्स दिए गए वो भी हम देखेंगे। फिर आगे है, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, तो फागुन मतलब फाल्गुन, ये मंथ होता है हिंदू कैलेंडर ईयर का फर्स्ट मंथ होता है, ये मार्च पीरियड जो होता है तब ये मंथ आता है, तो ये मंथ जब आता है तब वसंत ऋतु भी आती है। तो ये मंथ है, जो महीना है वो फागुन है, और जो ऋतु है वो है वसंत। तो रंग बिरंगे मतलब जब वसंत स्प्रिंग सीजन आती है, वसंत सीजन आती है तब फूल निकलते, तो रंग बिरंगे फूल निकलते, तो ये सारे रंग संग लेकर आया फागुन। फिर आगे तो मतलब हमारी लाइफ में दुख भी होते हैं और खुशियां भी आती है, तो जब हम खुशियां आती है हमारे जीवन में तो उनका भी हमें पूरा आनंद लेना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, मतलब ये जो फागुन मंथ आता है तो विंटर के बाद आता है, तो विंटर में सब पत्ते गिर जाते हैं, पूरा
पेड़ खाली भी हो जाता है, पत्तियां नहीं होती ज्यादा, कांटे होते हैं, लेकिन अब कांटों के बीच में फूल खिलखिलाता है। तो ये हमें प्रेरणा देता है कि कैसे कांटों के बीच में रह के भी फूल खिल रहा है। तो हमें भी इससे ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी जब कष्टों से, दुखों से घिरे हुए, तब हमें भी हमारा हौसला ऊंचा रखना चाहिए और हमें हमेशा अपने आप में साहस रखना चाहिए और हमें भी खिलते रहना है। तकलीफों से हमें उनके बोझ के तले दबना नहीं है। तो ये है कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। प्रेरणा मतलब के इंस्पिरेशन। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, मतलब भीतरी मतलब हमारे भीतर की, हमारे अंदर की कुंठा। कुंठा का मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन। कुंठा शब्द का भी मीनिंग नीचे दिया हुआ है, वो भी हम देखेंगे। तो हमारे अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन कुंठा है, वो आंखों के द्वार से, मतलब आंखों का द्वार मतलब दरवाजा, मतलब आंखों के दरवाजे से बाहर आती है। तो हमारा जो फ्रस्ट्रेशन सारा है, जब हमें बहुत दुख तकलीफ होते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं, जो हम रो लेते हैं। तो वो आंखों के द्वार से जब हम रो लेते हैं तो हमारे सारे जो कुंठा, सारी जो तकलीफें हैं वो उसके साथ बह जाती है, तो वो बाहर आ जाती है। तो ये कहा गया है। तो रोना भी एक्चुअली एक आउटलेट है, एक तरीका है कि हम अपने दुखों का बोझ हल्का कर सकते हैं। तो देखिए कुंठा का मीनिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, संज्ञा है, ये संस्कृत भाषा से, शब्द का ओरिजिन जो है संस्कृत भाषा से। कुंठा मतलब घोर निराशा, मतलब बहुत ज्यादा निराशा जब होती है, तो हमारी सारी निराशा है वो अश्रु के रूप में हमारे जो है हमारे अंदर से बाहर आ जाती है, हमारे दुख कम कर देती है। तो वो लिखा है, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारा जल मतलब के सॉल्टी वाटर, जल वाटर होता है, सॉल्टी वाटर एक्चुअली जो आंसू होते हैं वो थोड़े सॉल्टी होते हैं। तो इस खारे जल से हमारा सारा विषाद, विषाद का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन। विषाद का मीनिंग भी नीचे दिया गया है, ये देखिए विषाद का मतलब होता है, ये पुल्लिंग है, ये संज्ञा है, संस्कृत शब्द से ही आता है ये शब्द। विषाद का मतलब है अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। मतलब अभिलाषा मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन, हम जो चाहते हैं, हमारी विश पूरी न होने पर जो मन में खेद होता है, दुख होता है, उसे कहते हैं विषाद। तो यहाँ पे लिखा है अभी आगे, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। हमारा मन पावन हो जाता है, पावन मतलब प्योर, होली है ना, मन साफ हो जाता है। तो जब हम ये रो लेते हैं तो हमारे सारे जो हमको जो डिप्रेशन है, जो हमारे जो भी दुख है, वो सारे धुल जाते हैं। वो जैसे ऊपर भी हमने ये देखा प्रीवियस लाइन में भी कि हमारे जो आंखों के द्वार से कुंठा बाहर आ जाती है, मतलब कि हमारे तकलीफें कम हो जाती है, वही यहाँ पे भी उसी के बारे में लिखा है कि हमारे सारे विषाद है, जो हमारी दुख है, वो धुल जाते हैं और हमारा मन पावन हो जाता है, प्योर हो जाता है। तो ये जो अश्रु की भी जो ताकत है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो हमें खुद को ही हमको संभालना है और इस संभालने के लिए भी हमारे अश्रु भी हमारे काम आते हैं। और तकलीफ दुख तो सबको आते हैं, उनमें हमको क्या करना है, उनमें भी हमें हौसला रखना है, खिलखिलाते रहना है, जीवन जीना नहीं भूलना। फिर है, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजी विषा। इसका क्या मतलब है, मृत्यु को जीना मतलब डेथ को हमको जीना है। तो मृत्यु यहाँ पे इंडिकेशन कहा जा रहा है, जैसे बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, बहुत ही मुश्किल यू नो घड़ियां हमारे सामने आती है, बहुत ही मुश्किल सर्कमस्टांसेस नो ऐसी अवस्था में हम आ जाते हैं कि हमें बहुत यू नो तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो वो मृत्यु के कंपैरिजन किया जा रहा है, वो मृत्यु से उनको कंपेयर किया जा रहा है। तो ये जो मृत्यु है उनको जीना है हमको, इन तकलीफों से भी हमें गुजरना है। तो मृत्यु को जीना ये जीवन विष पीना, मतलब ये जीवन जो है, लाइफ जो है, एक विष मतलब पॉइजन की तरह है, तो ये विष को हमको पीना है, यही है जिजी विषा। जिजी विषा का मतलब होता है हमारी जीने की जो हमारी विल है, जो हमारा विल पावर है, जिजी विषा। तो वो क्या है, हमें मृत्यु को जीना है और जीवन विष पीना है, मतलब लाइफ में हर एक की लाइफ में दुख तकलीफें आती है, उनको हमें झेलना है, उनको पेल के हमें आगे बढ़ना है। तो यही जीवन को रहने का तरीका है, हम अपना विल स्ट्रांग रख सकते हैं। तो जिजी विषा का भी मीनिंग दिया है, यहाँ देखते हैं। तो ये भी स्त्रीलिंग है, संज्ञा है और संस्कृत भाषा से इसका ओरिजिन है, जिजी विषा मतलब जीवन के प्रति
आसक्ति मतलब जीने की इच्छा, तो हमारी जो जीने की इच्छा है, विल टू लिव, जीवन के प्रति जो हमारा झुकाव है, लगाव है, इच्छा जो है, उसे जिजीविषा कह रहे हैं। यहाँ लिखा है मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जिजीविषा। फिर आगे है मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, मतलब जब मन की पीड़ा जो है, मन में हमारे जो पीड़ा है, पेन है, वो बादल की तरह हम पर छा जाती है, हम अपने दुखों से घिर जाते हैं, तब क्या होती है, आंखें बरसती है। मतलब जब बादल, घने बादल आते, घने बादल छा जाते हैं तो बारिश आती है। तो वैसे यहाँ पे जो घने बादल है वो पीड़ा के, दुख के है, तो जब ये बादल छा जाते हैं उसके बाद हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, तो हमारी आंखें बरसती है। तो वही है, यहाँ पे भी वही बात की जा रही है, कैसे आंखों से हमारी जो पीड़ा है वो पूरी बाहर निकल जाती है आंखों के रास्ते से। चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन, मतलब पटरियां जो रेल की होती है, ट्रैक्स होती है, पैरेलल ट्रैक होता है लेफ्ट नो बोथ साइड्स पे, तो वो पैरेलल ट्रैक्स चलती है साथ में, वो लंबा साथ साथ चलती जाती है ट्रैक्स जो होते हैं, लेकिन वो आपस में कभी मिलते नहीं है, आपस में कभी बात नहीं करते, फिर भी मौन, मौन मतलब साइलेंट, बात नहीं करते। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि हमारे साथ भी लोग होते हैं, हमारे साथ साथ चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ हमारा जो है मन का जुड़ना नहीं होता, तो फिर भी वो मौन ही रहते हैं। हम चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन, मतलब हमारे साथ, हमारी पूरी दुनिया हमारे साथ चल रही है, सब जी रहे हैं, लेकिन सब अपना अपना ही देख रहे हैं। हम एक दूसरे के प्रति इतना लगाव नहीं रखते अभी, इतना झुकते नहीं है, तो ऐसा होता है कि हमारे साथ लोग होते फिर भी हमारे साथ नहीं है, तो वो बात कही जा रही है यहाँ पे। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश, तो जो सितारे होते हैं, तो यहाँ पे जो सितारे तारे आकाश में होते हैं, तो जब बादल आ जाते हैं तो वो छिप जाते हैं बादलों की ओट में। ओट का मतलब होता है घूंघट, व्हील, पर्दा। तो ये बादलों के पर्दे में ये सितारे जब छुप जाते हैं तो आकाश पूरा सूना हो जाता है ना, आकाश को सजाते, तारे जो होते हैं आकाश को सजाते हैं, ये पूरी सजावट फिर निकल जाती है। तो वही बात की जा रही है कि भले लोग हैं, जो लोग हमारे जीवन में है, फिर भी हम उनके साथ हमारा इतना मेल जोल नहीं होता, लेकिन जो हमारे जीवन में ऐसे भी लोग होते हैं जो सितारों की तरह चमकते और हमारे जीवन को मीनिंगफुल बनाते हैं, जब वो बादल के पीछे छिप जाते या जब वो हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं कोई भी रीजन से, तो वो हमारे आकाश को सूना कर देते, हमारे जीवन को सूना कर देते। फिर आगे है तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, मतलब ये कहा जा रहा है कवि, कवि जो है गीत होते, सॉन्ग्स जो होते उनको स्वर, उनको जो वर्ड्स होते वो कवि देते, तो जब गीतों को स्वर कवि देते हैं तब वो गीत अमर हो जाते, क्योंकि कवि जो रहते हैं, कवि कविताएं लिखते हैं और कवि नो गीत बनते हैं, और कवि भले रहे ना रहे जग में पर वो गीत हमेशा रहेगा, तो गीतों के स्वर वो हमेशा रहते, वो अमर हो जाते, अमर मतलब जो ना मरे कभी भी, इमॉर्टल, हमेशा रहे। तो तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, वो गीत अमर हो जाते हो ऐसे। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, तो हमारे जीवन में इसका भी मतलब क्या है कि हमको ऐसा काम करना है, हमारे लाइफ में दुख तो हो गए, कुछ लोग हमारे पास हो गए, कुछ लोग हमारे पास नहीं हो गए, कुछ लोग हमारे से हमसे दूर भी हो जाएंगे, लेकिन हमें अपना कार्य करते रहना है, हमें ऐसा काम करके जाना है कि हमारे जाने के बाद भी हमारा काम लोग याद रखे और हम अमर रहे, उस तरह हम अमर रहे, तो ऐसा हमें काम करना है। फिर आखिरी जो लाइन है वो है सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, मतलब क्या है इसका कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत है, जैसा मछली के पास पानी ही पानी है, वो पानी में ही रहती है, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि उसको प्यास नहीं लगेगी, सागर का पानी खारा पानी होता है, तो मछली सागर में रहती है फिर भी प्यासी रहेगी, तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत धन है वो बहुत खुश है या जिसके पास कुछ नहीं है वो खुश नहीं है। तो ये जो है वो एक्चुअली हमारे हर एक के जीवन में, इवन जो बहुत अमीर भी होते हैं या बहुत गरीब है, हर एक के जीवन में दुख होते हैं, अपना अपना सबका स्ट्रगल होता है, अपने अपना एक लड़ाई होती है जो हम लड़ रहे हैं जीवन में, तो उसमें हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ तकलीफ में है, और ऐसा भी नहीं है कि जो तकलीफ में, हमें लगता है जो तकलीफ में नहीं है वो बहुत खुश है, तो बहुत होने के बावजूद भी प्यासे रह सकते हो, तो सागर में भी रहकर मछली
प्यासी ही रहे। तो ये जीवन के सत्य को बता रहे हैं कि दुख जो है वो हर जगह है, दुख हर एक के जीवन में होता है, और हम उससे कैसे लड़े, उसको उससे कैसे सीखे, उसको कैसे झेले, और कैसे हम अपना कार्य करते रहे और ऐसा कुछ करके जाए कि हम अमर हो जाए। तो वही यहाँ पे इस कविता से जो है हमें सीख मिलती है। तो शब्दार्थ में हमने देखा और एक ओट का मीनिंग दिया है, ये भी स्त्रीलिंग है, संज्ञा है, और ये संस्कृत शब्द भाषा से ये वर्ड आता है, ओट मतलब आड़, जैसे हमने घूंघट बोला या जो है पर्दा, तो आड़ मतलब बादल के आड़ में सितारे छिप जाते हैं। तो ये हमारी कविता यहाँ खत्म होती है। जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम सेपरेटली एक वीडियो में करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स।